करने लगा और एमआर का पूरा प्रेशर 7 से 8 केजी पेंटो उठाने के लिए एयरबेलो में पहुंच गया तो पेंटोग्राफ ओएचई को तोड़ देगा, वहां 25 से 30 केजी का प्रेशर मिलेगा। इसलिए इसकी सेटिंग पेंटोग्राफ के कॉन्टेक्ट फोर्स 7 केजी से 2.5 केजी ज्यादा मतलब 9.5 केजी पे रखी जाती है। जैसे ही कॉन्टेक्ट फोर्स 9.5 केजी होगा ये सेफ्टी वाल्व ब्लो हो जाएगा। इसके बाद आता है थ्रोटल वाल्व 1, ये पेंटोग्राफ के राइजिंग टाइम को सेट करने के काम आता है। यहाँ से कंट्रोल्ड एयर प्रेशर आगे बढ़ती है और ये आती है 3/2 वाल्व में। इसमें 3/2 वाल्व इसलिए है कि इसमें आउटपुट एक नंबर ये है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है और इसका एक इनपुट है, इधर से एक इनपुट ये है और एक इनपुट इसका इसके अंदर ही डमी है। तो इधर ये 3 आउटपुट और इधर ये 2 इनपुट, इसलिए ये 3/2 वाल्व है। अब इससे इसके फंक्शन के बारे में जरा देखते हैं। जब हमारा प्रेशर यहां से एक पाइप यहाँ टी से यहाँ तक हमको एमआर का प्रेशर है 7 केजी, ये प्रेशर सीधा यहाँ पर आ रहा है। ये प्रेशर जैसे ही इसको मिलता है, ये इसका ऑपरेटिंग प्रेशर है एक्चुअली। जैसे जेट पीटी से पेंटो उठाते हैं सीधा 7 केजी का प्रेशर यहाँ आता है और ये 3/2 वाल्व फंक्शन में हो जाता है। उस समय ये 1 और 2 आपस में जुड़ जाते हैं, इसके पहले तक आइसोलेट रहते हैं। 1 और 2 आपस में जुड़ जाते हैं और यहाँ से 4.1 या 2 केजी का प्रेशर सीधा यहाँ से आगे बढ़कर बेलो में चला जाता है और पेंटो वर्क करने लगता है। उधर से ही एक प्रेशर 4.1 या 2 केजी का ये एडीडी या क्विक एग्जास्ट वाल्व में भी आ रहा है। इसका फंक्शन ये है कि इसके अंदर एक डायफ्राम होता है। जब ये प्रेशर 4.1 आया तो इसमें नीचे यहाँ पर एग्जास्ट होता है तो वहाँ से एयर एग्जास्ट होती है थोड़ा और थोड़ा एयर इस पाइपलाइन के थ्रू, इस वाइट पाइपलाइन के थ्रू, जो वाइट पाइपलाइन चल रही है उसके थ्रू